मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को सबसे पहले जय हिंद। आज इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि आपका एडमिशन अगर ऑल इंडिया कोटा में हो जाता है या स्टेट कोटा में हो जाता है तो एमबीबीएस एडमिशन के समय आपको क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। एमबीबीएस एडमिशन हो, बीडीएस एडमिशन हो, आयुष, वेटनरी, सभी में तकरीबन एक से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता ही होती है। तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अभी बनवा लें ताकि हमें बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए, तो हम इस विषय पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि डॉक्यूमेंट्स के बारे में, काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में और अदर डिटेल्स के बारे में मैंने इनके बारे में बुक लिख रखी है। ऑल इंडिया कोटा की अलग बुक है, स्टेट की है, आयुष और वेटनरी की अलग बुक है। तो अगर आप इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो ये आप बुक डाउनलोड कर सकते हैं। इसको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं सोचता हूं ये बुक बड़ी मेहनत के साथ लिखी गई है, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। इसमें मैंने सब कुछ समझा दिया है, डॉक्यूमेंट्स का भी मैंने सब कुछ समझाया है, स्टेट वाइज समझा दिया है कौन से स्टेट में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, कैसे कैसे आपने काउंसलिंग में कॉलेज फिल करना है, सब कुछ अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हम बात करें डॉक्यूमेंट्स के बारे में, तो अगर आपका ऑल इंडिया कोटा में सिलेक्शन हो जाता है एमबीबीएस बीडीएस एडमिशन के लिए या फिर स्टेट कोटा में सिलेक्शन हो जाता है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले हम ऑल इंडिया कोटा की बात करते हैं कि ऑल इंडिया कोटा के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। तो ऑल इंडिया कोटा में हम सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले आपको अलॉटमेंट लेटर की आवश्यकता होती है। अलॉटमेंट लेटर, अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है, हम सब जानते हैं ऑल इंडिया के दोनों राउंड, ऑल इंडिया कोटा के दोनों राउंड ऑनलाइन होते हैं और ऑनलाइन रिजल्ट पब्लिश होने के बाद में वहां पर जिस कैंडिडेट को सीट मिल जाती है अलॉटमेंट लेटर अवेलेबल होता है। तो वेबसाइट से हमें अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है, वो इजीली डाउनलोड हो जाता है। रिजल्ट पब्लिश होने के बाद में हम आपको वीडियो बना के भी बता देंगे कि कैसे आपने अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले आपको अलॉटमेंट लेटर की रिक्वायरमेंट होगी। अब हम बात करते हैं दूसरे डॉक्यूमेंट्स की, तो आपको हर जगह एडमिट कार्ड की आवश्यकता होगी एडमिशन के टाइम में, चाहे आप ऑल इंडिया कोटा में एडमिशन लें या स्टेट कोटा में एडमिशन लें, आपको एडमिट कार्ड की आवश्यकता रहती ही है। तो आपके पास अगर एडमिट कार्ड है तो ठीक है, अगर नहीं है तो अभी एनटीए की वेबसाइट पर ये अवेलेबल है, नीट की वेबसाइट पर, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं ये एडमिट कार्ड। आप वहां पर से दो चार कॉपी डाउनलोड कर लें, ये आपके बाद में काम आएगी। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे के डॉक्यूमेंट्स की, तो रिजल्ट, जो एनटीए का अभी नीट का रिजल्ट आने वाला है उसकी एक कॉपी की आवश्यकता होगी। तो आप जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाता है वहां से रिजल्ट की कॉपी डाउनलोड कर लेना। इसके बाद में नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं हम, टेंथ की मार्कशीट ओब्लिक सर्टिफिकेट, टेंथ की मार्कशीट ओब्लिक सर्टिफिकेट, तो इसकी रिक्वायरमेंट होती है टेंथ के मार्कशीट और सर्टिफिकेट की। अब जो किसी किसी स्टेट में ये मार्कशीट अलग होती है, सर्टिफिकेट अलग होता है, लेकिन अभी जो फॉर्मेट आ रहा है, चाहे सीबीएसई का हो या स्टेट बोर्ड का हो, उसमें मार्कशीट के साथ ही सर्टिफिकेट दिया हुआ है। तो आप देख लें कि अगर आपका सर्टिफिकेट अलग है तो उसकी कॉपी करवा लें, या फिर आपका सर्टिफिकेट एक ही है, मार्कशीट के साथ ही है, तो ये ले लें। इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको डेट ऑफ बर्थ अगर आपके टेंथ की मार्कशीट में है तो कोई दिक्कत नहीं है, और वो तो सभी में होता ही है। अगर किसी किसी स्टेट की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ नहीं है टेंथ के सर्टिफिकेट में, तो आप अलग डेट ऑफ बर्थ का एक प्रूफ
डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट है या फिर कोई और प्रूफ है तो वो ले लें। लेकिन अमूमन सभी मार्कशीट में, टेंथ की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ होती है, तो इसके लिए टेंथ की मार्कशीट डेट ऑफ बर्थ के लिए भी काम आएगी और आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में भी काम आती है। इसके बाद में हम बात करें 10+2 की मार्कशीट ओब्लिक सर्टिफिकेट, 10+2 की मार्कशीट ओब्लिक सर्टिफिकेट, यह भी किसी किसी स्टेट में अलग अलग होता है और किसी स्टेट में मार्कशीट के साथ ही सर्टिफिकेट होता है, तो वो आप चेक कर लें, आपके स्टेट में चेक कर लें कि अलग है या फिर एक ही है। तो ये हो गया मार्कशीट। अब आपको 8 पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ, यहां लिख देता हूं मैं 8 पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ की रिक्वायरमेंट है, पासपोर्ट साइज के फोटो की 8, ये फोटो वही होने चाहिए जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड किए थे। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप बनवा लें, ये फोटो बनवा लें, ये 8 फोटो की जरूरत होगी आपको। उसके बाद में आपके पास में आईडी प्रूफ की जरूरत होगी, इसके बाद में आईडी प्रूफ की आवश्यकता होगी, इसमें आपका आधार हो सकता है, आधार के अलावा इसमें ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है और ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। तो ये आईडी प्रूफ में आपको रिक्वायरमेंट होगी इनकी। इसके बाद में जो एनआरआई कैंडिडेट हैं, एनआरआई और ओसीआई कैंडिडेट हैं, एनआरआई ओब्लिक ओसीआई कैंडिडेट हैं, तो उनके लिए जरूरत होगी एक तो पासपोर्ट कॉपी ऑफ स्पॉन्सर सर्टिफिकेट की, इसके बाद में स्पॉन्सरशिप एफिडेविट की जरूरत होगी और एक रिलेशनशिप एफिडेविट की जरूरत होगी। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स एनआरआई कैंडिडेट के लिए एक्स्ट्रा जरूरत है, ये एक्स्ट्रा जरूरत है, बाकी तो ये है ही है, इनके अलावा एनआरआई कैंडिडेट के लिए इनकी आवश्यकता होती है। इसके बाद में आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं, जैसे आप जनरल में आते हैं तो मैंने कल के वीडियो में बताया था कि आपको किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, इसके अलावा आप बाकी किसी भी कैटेगरी में आते हैं, जैसे ओबीसी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं, दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं, तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी, तो वो आपके स्टेट में बन जाएगा। अब यहाँ काफी स्टूडेंट का डाउट होता है कि यहाँ सेंट्रल वाला कैटेगरी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है या स्टेट की, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऑल इंडिया कोटा में एडमिशन लेते हैं तो यहाँ सेंट्रल के सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, तो आपके स्टेट में आप अपने स्टेट से सेंट्रल का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो ये तो हो गई सर्टिफिकेट की बातें। अब इसमें पीडब्ल्यूडी का जो सर्टिफिकेट होता है, दिव्यांग कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट होता है, वो सर्टिफिकेट जो डिसेबिलिटी असेसमेंट बोर्ड है वो जारी करता है, तो ये एडमिशन से पहले ये बोर्ड ओपन हो जाते हैं और ये जो मेडिकल बोर्ड हैं, ये 11 मेडिकल बोर्ड हैं, इन 11 मेडिकल बोर्ड से पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट हैं वो वहां से ये सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो ये कौन कौन से हैं, ये जो बोर्ड हैं वो कौन कौन से हैं, मैं आपको यहां पर बता देता हूं। तो सबसे पहले दिल्ली में वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज है, तो आप उससे पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं, वीएमएमसी दिल्ली, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज सफदरजंग, यहां से आप अपने मेडिकल का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। और इसके बाद में दूसरा है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन, ये मुंबई में है, ये मुंबई में है, तो यहां से भी आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन। इसके बाद में नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता, यानी कि
आईपीएमई कोलकाता, आईपीएमई कोलकाता, तो यहां से भी ये सर्टिफिकेट प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद में मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई, मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई, मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई। इसके बाद में ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई, जीएमसी मुंबई, ग्रांट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मुंबई। इसके बाद में गोवा मेडिकल कॉलेज गोवा, इसके बाद में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज त्रिवेंद्रमपुरम केरला, और एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर, इसके बाद में जीएमसी चंडीगढ़ और जीएमसी अगरतला त्रिपुरा, और इसके बाद में जो पिछले साल से शुरू हुआ है आईएमएस बीएचयू वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो ये 11 डिसेबिलिटी असेसमेंट बोर्ड हैं, आप उनके समक्ष प्रस्तुत होके ये डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं पीडब्ल्यूडी का। तो ये इसके अलावा जिस भी किसी बोर्ड का आपके पास में सर्टिफिकेट है वो मान्य नहीं होगा, इन्हीं बोर्ड से पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए कैंडिडेट को सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता होगी। तो ये तो हो गया ऑल इंडिया कोटा में। अब ऑल इंडिया कोटा में ये सारे डॉक्यूमेंट्स एडमिशन के टाइम में ओरिजिनल डिपॉजिट होंगे और इनकी एक एक अटेस्टेड कॉपी भी आपको साथ लेकर जानी है। किसी किसी कॉलेज में 2 या 4 कॉपी मांगते हैं और किसी कॉलेज में डीवीडी फॉर्मेट में भी मांगते हैं और इसके अलावा पेन ड्राइव में भी मांग सकते हैं वो। तो आपका जब एडमिशन हो जाता है उसके बाद फोन से आप कॉलेज से संपर्क कर लें, एडमिट कार्ड में आपके कॉलेज के नोडल ऑफिसर के मोबाइल नंबर होते हैं उसमें, तो आप उस मोबाइल नंबर पर फोन करके पता कर सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो भी आप लेकर जाएं। इसके अलावा किसी किसी कॉलेज में कंडक्ट एंड स्टडी सर्टिफिकेट, जो करेक्टर सर्टिफिकेट होता है, उसकी भी रिक्वायरमेंट होती है, और किसी किसी मेडिकल कॉलेज में गैप सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट भी होती है। तो गैप सर्टिफिकेट आराम से बन जाता है, इसमें कोई ज्यादा समय नहीं लगता है। 100 रुपए का आपने स्टाम्प लेना है, उसमें कंप्यूटर वाले से लिखवाना है कि मैं नीट की तैयारी कर रहा था इसलिए मेरा 1 साल या 2 साल का जो भी है आपका वो गैप हो गया है, तो ये एक एफिडेविट देना होता है, उसके बाद आप एडवोकेट से उस पर साइन करवा लें, नोटरी करवा लें, तो ये बन जाता है गैप सर्टिफिकेट, ज्यादा समय नहीं लगता है इसमें। किसी किसी स्टेट में 11th की मार्कशीट भी ली जाती है, लेकिन वो ऑल इंडिया कोटा में 11th की मार्कशीट लेते नहीं है, स्टेट कोटा में 11th की मार्कशीट लेते हैं। तो ये तो होगी ऑल इंडिया कोटा की बात। अभी हम बात करते हैं स्टेट कोटा की, कि स्टेट कोटा में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैंने ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स बताए, नॉर्मली इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। इसके अलावा मैंने हरेक स्टेट का बुक में दे रखा है कि कौन से स्टेट में एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो आप देख सकते हैं। वैसे नॉर्मली इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, किसी किसी स्टेट में गैप सर्टिफिकेट की डिमांड भी की जाती है, तो किसी स्टेट में 11th की मार्कशीट की डिमांड भी की जाती है, तो आप स्टेट के मुताबिक अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हैं, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स तो आप रेडी ही रखें। अभी आपके पास में समय है, ये डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें ताकि एडमिशन के टाइम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये जानकारी थी डॉक्यूमेंट्स के बारे में, क्योंकि काफी स्टूडेंट कॉमेंट्स करके पूछ रहे थे कि हमें एडमिशन के टाइम में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो मैंने इसमें आपको समझा दिया है। फिर भी आने वाले समय में अगर इसके बारे में और कोई अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो हम जरूर लेके आएंगे आपके पास। तो दोस्तों मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक मैं हर्षाय चोपड़ा आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद।